बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 21 है, जो कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 18, 19 और 20 के हवाले से है। क्वेश्चन 18 देखते हैं पहले। ए सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद वॉल्यूम ऑफ 6.25 डेसीमीटर क्यूब, ए प्रेशर ऑफ 765 टार एंड ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्सपेंडेड टू ए वॉल्यूम ऑफ 9.5 डेसीमीटर क्यूब एंड ए प्रेशर ऑफ 375 टार। What will be its final temperature in centimeter degree centigrade? तो आपने final temperature बताना है degree centigrade में। यहाँ पे हमें जो है वो दो volume दिए हुए हैं और दो जो है वो pressure दिए हुए हैं तार में। तो इससे जो equation आप apply करेंगे वो ideal gas equation होगी। P1 V1 over T1 P2 V2 over T2। Data हम लिखते हैं सारा। वॉल्यूम V1 6.25 है, वॉल्यूम V2 9.5 डेसीमीटर क्यूब है, प्रेशर P1 765 टार है, प्रेशर P2 375 टार है। अब चूंकि हमने इस न्यूमेरिकल में R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट का यूनिट इस्तेमाल वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी, तो हम प्रेशर को टार में ही रहने देंगे। टेम्परेचर को बता केल्विन में चेंज करेंगे। टेम्परेचर में 20+273 ऐड करेंगे, 293 केल्विन हो जाएगा। T2 मालूम करेंगे, इक्वेशन हमारे पास T2 हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और T1 V1 over T1 हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम प्रेशर वॉल्यूम और जो है टेम्परेचर की और प्रेशर P1 V1 की। हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 219.46 केल्विन। इसमें से 273 माइनस करेंगे, ये हमारे पास -53.54 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ जाएगा। क्वेश्चन 19 है, वर्किंग एट ए वैक्यूम लाइन ए केमिस्ट आइसोलेटेड ए गैस। वैक्यूम लाइन पे काम करते हुए केमिस्ट ने एक गैस को अलग किया जिसका वॉल्यूम जो था 255 सेंटीमीटर क्यूब था, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 10 टार था बल्ब का और जो गैस का वजन था वो 12.1 मिलीग्राम है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस गैस? इस गैस का मॉलिक्यूलर मास बताएं। डेटा को अलग करते हैं, वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.25 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। टेम्परेचर 25 है, 273 ऐड करेंगे, 298 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर जो है वो 10 टार है, 760 से डिवाइड करेंगे 0.0131 एटीएम आ जाएगा। मास ऑफ गैस है 12.1 मिलीग्राम और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ग्राम में ले आएंगे। इसमें चूंकि हमने आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, इसलिए हम प्रेशर को भी चेंज करेंगे, वॉल्यूम को भी चेंज करेंगे और जो है मास ऑफ गैस को भी ग्राम में लेके आएंगे 0.01 ग्राम। तो आर की वैल्यू 0.08218 पर मोल पर केल्विन है। मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास की इक्वेशन MRT/PV, इसकी वैल्यू पुट करेंगे MRT और प्रेशर वॉल्यूम की, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी सारी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास 88.28 ग्राम पर मोल आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 20 है, व्हाट प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 273 केल्विन एंड 10 डेसीमीटर क्यूब वेसल। यहाँ पे प्रेशर एग्जर्टेड बाय मिक्सचर, तो टोटल प्रेशर मालूम करना होगा हमने। टोटल प्रेशर के लिए हमारे पास जो है वो डेटा, हमारे पास टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, टोटल मोल मालूम करेंगे पहले और टोटल प्रेशर भी मालूम करना है। जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है। पहले टोटल, पहले स्टेप में हम टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। मास गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम है। मोल मालूम करने के लिए 2 को हम 2 जो कि मोलर मास हाइड्रोजन का उससे डिवाइड करेंगे, 1 मोल आ जाएगा। मास ऑफ नाइट्रोजन 8 ग्राम है, इसको मोलर मास यानी कि नाइट्रोजन का मोलर मास 28 से डिवाइड कर देंगे तो 0.285 मोल आ जाएंगे नाइट्रोजन के। टोटल मोल इन दोनों को ऐड करने से आसान होगी, 1 + 0.285 = 1.285 मोल्स, ये टोटल मोल आ गए। अब हम टोटल प्रेशर मालूम करेंगे जो हमारा लास्ट स्टेप होगा। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PTV = NTRT, टोटल प्रेशर = NTRT और V। यह हम वैल्यू पुट करेंगे PT = NTRT/V। NT 1. टोटल मोल 1.285 है, R की वैल्यू 0.021 है और टेम्परेचर 273 है और वॉल्यूम 10 है डेसीमीटर क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रेशर टोटल आ जाएगा 2.88 एटीएम।
शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।